बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार और टेस्टी सी बारबेक्यू बिरयानी, जो कि बहुत ही मजे की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको गेस्ट के लिए बना सकते हैं और किसी भी पार्टी वगैरह में बना सकते हैं। बहुत ही मजे की बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी दही, और गाढ़ी दही यूज करेंगे हम। यहाँ पे मैंने दही लिया 6 टेबल स्पून। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी हसबे जायका। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च का। साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया कुटा हुआ, और साथ में 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड किया है, और इसमें हम 2 पिंच जर्दा कलर के ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। यहाँ पे मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन का। इसको अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लिया है। अब इसको जो हमने दही का मिक्सचर बनाया है उसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से उसमें मिक्सअप कर लेंगे कि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल के। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको हम 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल के लिए है, और इसमें मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, जैसा हमें कलर चाहिए था बिल्कुल वैसा। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो कढ़ाई में प्याज ब्राउन किए थे उसी में हम चिकन ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, वही जो रिमेनिंग ऑयल था उसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और इसको कवर कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह से इस तरह सेट कर लें, और फिर इसको कवर लगा दें, और कवर करने के बाद इसको एक साइड को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं। 5 to 6 मिनट्स के लिए एक साइड को पका लेंगे। अब हम ढक्कन उठाएंगे और इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। इनकी साइड चेंज कर ली है, अब इनको दोबारा से कवर करके 5 मिनट्स के लिए पका लेंगे। दूसरी साइड को पकते हुए भी 5 to 6 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाएंगे और इनको दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से इसको कवर कर देंगे, और दोबारा से इसको 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। अगर आपको लगे कि चिकन गल चुका है तो आप इसको कवर मत कीजिएगा, वैसे ही पका लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि चिकन थोड़ा कच्चा है तो आप इसको कवर करके पका लीजिएगा। हमारा चिकन तकरीबन यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे बिल्कुल तेज फ्लेम पर। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसकी जो आग है वो बिल्कुल लो कर देंगे, और यहाँ पे मैंने एक कोयला लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसको मैं रखूँगी इसके अंदर, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए, बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। और इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। इसको इसी तरह से कवर रहने देंगे। दूसरी साइड पे हम चावल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है 2 तेज़पत्ते, 3 से 4 छोटी इलायची, और 1 बादियान का फूल, और 3 से 4 लौंगे, और इनको हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरे का, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 800 ग्राम्स, और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इनको पैन में ऐड कर देंगे, और इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे पानी मैं ऐड करूँगी 1000 ग्राम, क्योंकि मैंने इनको पहले से भिगोया हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। हम इतना ही पानी ऐड करेंगे इसमें जितने में हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से निखरे निखरे से पक जाएं। हम इनको ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बिल्कुल पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक का, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें।
चावलों को कवर करके 5 to 6 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ पे हम इसको कोयले का दम दिए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम कोयला निकाल लेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल बारबेक्यू जैसी। तो अब हम जो इसमें चिकन है वो निकालेंगे। चिकन के सारे पीसेस मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिए हैं, और जो अब हमारा ऑयल है जो इसकी ग्रेवी सी रह गई है उसमें मैंने जो प्याज ब्राउन किया था वो उसमें से हाफ प्याज मैं उसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं बिल्कुल स्मॉल साइज के थे, और उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, वो ऐड कर दूंगी। अब इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा चिकन का रिमेनिंग मसाला बच गया था वो, और साथ में मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही के ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, उनमें बिल्कुल हल्का सा पानी बच गया है। जैसे ही इनका पानी खुश्क होगा हम इनको दम पे लगा लेंगे। अब मैं चावलों को दम पे लगा लूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तवे के ऊपर रख के दम लगाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम दम खोल लेते हैं। तो देखें हमारे राइस जो है वो फुली कुक्ड हो चुके हैं, हम इसमें कोई कनी वगैरह नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त से खिले खिले से राइस हमने कुक कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारा मज़ेदार सा मसाला रेडी हो रहा है, और ये इसका पानी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और इसको तब तक पका लेंगे। यहाँ पे पानी इसका खुश्क हो गया अच्छी तरह से, और हम इसमें से आधा जो है मसाला है वो निकाल लेंगे, साइड पे कर लेंगे। मसाला कुक करते हुए अगर आपको लगे कि इसमें स्पाइसेस कम है तो आप इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है, और अब हम चावलों की तह लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो आधा मसाला निकाल लिया है और जो रिमेनिंग है हम इसके ऊपर ही चावलों की तह लगा देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से चावलों की तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने चिकन के पीसेस निकाले थे वो उसमें से कुछ ऐड कर देंगे, उसके ऊपर चावलों के ऊपर डाल देंगे, और जो कुछ है वो रख लेंगे। अब जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 5 to 6 टेबल स्पून दही लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून जर्दा कलर, येलो कलर जो होता है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर बना लिया है। अब मैं ये मिक्सचर जो है वो जो हमने चिकन के पीसेस ऐड किए हैं चावलों के ऊपर उसके ऊपर डालूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ धनिया और पुदीना काट के रख लिया है, अब इसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर देंगे, और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज थोड़ी बड़े साइज में काट के रख ली है, हम वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। टोटल मैंने 6 to 7 ग्रीन चिलीज ली थी, उनको मोटा मोटा काट लिया है। दोबारा से हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे, अच्छी तरह से चावलों से इसको कवर कर देंगे। अब जो कुछ चिकन के पीसेस रह गए थे वो ऐड करेंगे चावलों के ऊपर, और दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमारा प्याज था फ्राई किया हुआ वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमने जो मसाला निकाला था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो हमारे पास कलर वाली दही बच गई है अब वो दोबारा से ऐड कर देंगे इसके ऊपर। जो सब्ज मिर्चें बची हुई हैं वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर, धनिया ऐड करेंगे, और धनिया और पुदीना इकट्ठा ही मिक्स करके काट लिया था वो ऐड कर दिया है। उसके ऊपर दोबारा से हम चावलों की तह लगा देंगे, अच्छी तरह से चावलों से कवर कर देंगे, और इसको हम दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। दम हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब दम को खोल लेते हैं, और देखें हमारी ज़बरदस्त सी बारबेक्यू बिरयानी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह से, और कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही यमी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपनी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और टेस्टी भी खाने में बहुत ज़बरदस्त है जितनी के लुक है इसकी। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारी एक अप्रिसिएशन होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।